हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम पी द्वारा प्रोवाइड कराए गए अध्याय तीन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं और एम पी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए दिए हैं इन क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे चाहे वो आपका छमाई परीक्षा हो बोर्ड परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो अर्धवार्षिक मतलब छमाई ठीक है तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है और अच्छे अंक आपके डेफिनेटली आएंगे तो चलिए इनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का बताएंगे तो चलिए देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन है पिता की आयु पुत्र की आयु की छः गुनी है चार वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चार गुनी होगी पुत्र पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए देखिए हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप माना पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है पहले से इसलिए लिखा लिखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको समझने में भी जल्दी जल्दी आसानी हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अनुसार क्या है बाई बराबर सेक्स एक्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की छह गुनी है तो पिता की आयु हमने क्या मानी वर्ष तो पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है एक्स एक्स की छह गुनी कर दी तो ये समीकरण एक बन गया उसके बाद देखते हैं चार वर्ष बाद पुत्र की आयु वर्तमान हमने एक्स मान ली तो चार वर्ष बाद चार वर्ष बादई प्लस चार वर्ष फिर उसमें पुनः प्रश्न अनुसार क्या दिया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चार गुनी होगी चार गुनी होगी तो हमने जो चार वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है उसकी चार गुनी कर दी बराबर कर दी पिता की जो चार बर्ष आयु है उसके ठीक है तो अब देख सकते हैं यहाँ पर चार एक्स इसका गुना कर दिया तो चार एक्स प्लस चार चौकी सोलह बराबर बाई प्लस चार चार एक्स प्लस सोलह बराबर सिक्स एक्स प्लस फोर ठीक है यहाँ पर बाई है हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो समीकरण एक है इसमें हमने बाई बराबर सिक्स एक्स रखा है क्योंकि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की छह गुनी है इसलिए बाई ब सिक्स एक्स तो यहाँ पर हमने सिक्स एक्स को पुट कर दिया ठीक है यहाँ पर बाई की मान की जगह पर और इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स का मान छः तो आपका आंसर हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु छः वर्ष हो जाएगी और पिता की निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए पिता की निकालने के लिए हम इस समीकरण में जो आपका था बाई बराबर सिक्स एक्स तो बाई बराबर सिक्स एक्स एक्स की जगह पर रख देंगे छः तो छः गुना छः मतलब छत्तीस वर्ष तो पिता की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो आ जाएगी छत्तीस वर्ष इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आरेख निम्न समीकरण युग्म के लिए यदि आरेख इन जो समीकरण इसमें दिया है इसका हम आरेख बनाएं तो रेखा क्या होगी देखिए हमें पता है कि एवन बटे बी एवन बटे ए टू और बी बन बटी बी टू इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में जो सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई है प्लस दस बराबर जीरो और ये इतना दिया है तो इसमें ए वन छः हो जाएगा बी वन कितना हो जाएगा माइनस तीन और सी वन हो जाएगा दस और ए टू दो बी टू माइनस एक क्योंकि बाइक का जो गुणांक है वो कितना है एक है यहाँ पर इसलिए माइनस एक और माइनस में है ये तो ये भी माइनस एक यहाँ पर ये भी माइनस में है और यहाँ पर ये नौ आप देख सकते हैं कि ए ए वन बेटी ए टू कितना हो जाएगा छः बटे दो मतलब तीन और बी वन बेटी बी टू तीन बटे एक ये माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर तीन हो गया सी वन बेटी सी टू बराबर दस बटे नौ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्थिति बन रही है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू और इस स्थिति इस इस में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ समांतर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कि निम्न समीकरण युग्म जो एक्स प्लस दो बाई माइनस पाँच है और माइनस तीन एक्स माइनस छः बाई प्लस पंद्रह है इसके लिए क्या हल होगी तो इसमें आपको देखना है इसका तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका हल किया है एक्स प्लस दो बे माइनस पाँच बराबर जीरो इसमें ए वन बटे ई टू आप खुद निकाल सकते हैं ए वन क्या हो जाएगा एक और बी वन माइनस तीन ए वन बटे ई टू कितना हो गया एक बटे तीन बी वन बटे बी टू भी एक बटे तीन क्योंकि यहाँ पर ये यह देखिए यहाँ पर माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा ठीक है क्योंकि दो बटे छः मतलब दो एकम दो दो तीन छः तो एक बटे तीन और यहाँ पर सी वन बटे सी टू भी एक बटे तीन हो जाएगा क्योंकि पाँच बटे पंद्रह है तो पाँच एकम पाँच पाँच तीन पंद्रह वन बटे यू टू कितना हो जाएगा एक बटे तीन और ये भी एक बटे तीन और ये भी एक बटे तीन सभी एक से हैं मतलब रेखाएं है, संपाती हैं और रेखाएँ है, जब सम्पाती हूँ तो उनके अनगणित मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं यदि रेखक समीकरण के युग में संगत है तब रेखाएँ होंगी जब युग में संगत होते हैं तो रेखाएँ संपाती भी होती हैं और प्रतिच्छेद भी करती हैं संगत का मतलब है जब किसी समीकरण का कोई हल हो कोई हल हो या अनेक हल हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स में है यदि एक्स बराबर जीरो होता था, था बाई बराबर माइनस सात है तब देखिए जब हम कुछ किसी समीकरण के हल निकालते हैं तो यदि एक्स और बाई के मान आते हैं तो समीकरण के एक हल होगा ठीक है तो इसका एक ही होना चाहिए फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्स बराबर जीरो और बाई बराबर माइनस सात है मतलब जब हम किसी समीकरण के हल निकालते हैं तो उनके हल आते हैं एक्स और बाई ये दोनों मान आ जाते हैं इसका मतलब है इसका एक ही हल है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सात देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर सात में है यदि रेखाएँ ये क्वेश्चन नंबर सात का सॉल्यूशन यहाँ पर यदि रेखाएँ तीन एक्स प्लस दो बाई बराबर दो और दो एक्स प्लस पाँच बाई प्लस एक समांतर हैं तब के का मान क्या होगा देखिए समांतर में क्या है जब समांतर हैं ए वन बटे ए टू आप लिख सकते हैं ए वन बटे ए टू और ए वन का है तीन और ए टू दो और बी वन दो के और बी टू पाँच और सी वन है माइनस दो और सी टू है एक इस प्रकार से आप इस समीकरण से लिख सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये देखिए हमें इसमें क्या दिया है समांतर तो समांतर के लिए जो स्थिति होती है वो होती है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू और इस स्थिति के लिए ए वन बटे ए एड़ टू इसमें क्या है तीन बटे दो तो तीन बटे दो रख देंगे और बी वन बटे बी टू क्या है दो के बटे पाँच तो इसको हमने रख दिया और सी वन बटे सी टू क्या है माइनस दो बटे एक सबको रख देंगे और अब हम इन दोनों से या फिर इन दोनों से हल निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम त्रीय गुणा कर देंगे इनका तो त्रीय गुणा करेंगे तो पाँच ती पंद्रह और दो दो चार की तो चार के बराबर पंद्रह और के बराबर पंद्रह बटे चार इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह बटे चार सही आंसर ठीक है और अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देख सकते हैं आप कि सी एक्स यहाँ पर क्या दिया है सी एक्स माइनस बाई बराबर दो देखिए इसको हम देखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर एट है उसका सॉल्यूशन देखिए सी एक्स माइनस बाई बराबर दो है और छः एक्स माइनस दो बाई बराबर तीन इस तीन को इस तरफ ला लेंगे और इस दो को इस तरफ ला लेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस बाई माइनस दो बराबर जीरो छः एक्स माइनस दो माइनस तीन बराबर जीरो यहाँ पर ये यह सब हो गया तो अब हम ए वन बटे ई टू के मान लिख लेंगे तो ए वन बटे ई टू इसमें क्या है ए वन इसमें सी है तो सी और इसमें एन ए टू क्या है सिक्स तो सी बटे सिक्स बी वन बटे ई टू माइनस एक बटे दो सी वन बटे सी टू माइनस दो बटे तीन और इस प्रकार से हम इसमें क्या लिखा है अगणित अनगिनत अनगिनत जब हल होते हैं मतलब अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से तो उस स्थिति के लिए ए वन बटे ई टू बराबर होते हैं बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू ठीक है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे इन तीनों के मान रख देंगे यहाँ पर सी बटे सिक्स और बी वन बटे बी टू की जगह पर एक बटे दो क्योंकि ये कट जाएगा तो एक बटे दो ही हो जाएगा ठीक है और सी वन बटे सी टू क्या हो जाएगा आपका दो बटे तीन क्योंकि ये भी कट जाएंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इन दोनों से या इन इससे और इससे आप सी का मान निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर तिरिया गुणा करके आप इसका इसमें कर सकते हैं और इसका इसमें ऐसे भी निकल आएगा और इसका इसमें करेंगे तो भी निकल आएगा तो इसका इसमें करेंगे तो टू सी और इसका इसमें करेंगे तो सिक्स ठीक है तो टू सी बराबर सिक्स और सी बराबर सिक्स बाई टू तो ये हो जाएगा दो तीन सिक्स दो तीन छ तो यहाँ पर सी का मान क्या आ जाएगा तीन जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है ठीक है और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन में आप देख सकते हैं कि के कि किस मान के लिए समीकरण तीन एक्स माइनस वाई प्लस आठ बराबर जीरो और सिक्स एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस सिक्स चंपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन का पूरा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर और जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से इसको करना है और संपाति रेखाओं के लिए आप जानते होंगे कि ए वन बटे ए टू बराबर होता है बी वन बटे बी टू और सीवन बटे सी टू के ठीक है तो इस प्रकार से आपके का मान निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर दिया है आपके का मान कैसे निकाल सकते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इन सबको लिख लेना है और एवन बटे ए वन बटे ए टू कितना आ जाएगा एक बटे दो वीवन बटे बी टू एक बटे के क्योंकि हमें के का मान नहीं पता तो के का हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर माइनस से माइनस काट दिया तो एक बटे के हो गया सीवन बटे सी टू एक बटे दो और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम के का मान दो रखेंगे तभी ये सभी बराबर होंगे तो हम यहाँ पर दो आसानी से लिख सक लिख सकते हैं तो इस इस प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा दो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है एक्स माइनस दो हाँ क्वेश्चन नंबर टेन में है एक्स माइनस दो बराबर दो नहीं एक्स माइनस वाई बराबर दो और एक्स प्लस वाई बराबर चार तो इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों को हल करना है तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं तो इसको कर लिया हमने और यहाँ पर आप बाई का एक मान आ गया और इसका आ गया एक्स का तीन तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड तीन और एक तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे और अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं उसमें हम आगे का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन आपको देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम वीडियो को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में आपको देंगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो और लाइक करना वीडियो को क्योंकि ये सब बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन